Hello glorious family, assalamu alaikum and welcome back to my channel. Hope you all guys are doing well. आज की वीडियो में हम एक नॉर्मल से सनस्क्रीन पर बात कर रहे हैं. मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स पर रिव्यू कर दें और कुछ बहुत सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी हैं, बट ड्यू टू हैवी रेन इन कराची, बल्कि पूरे मुल्क में ही हो रही है, लेकिन कराची में इस बार मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रेनिंग हो गई है. तो ड्यू टू हैवी रेनिंग मुझे मेरे पार्सल्स नहीं रिसीव हो पा रहे हैं. द ऑर्डर्स आर ऑलरेडी इन पाइपलाइन, सो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट धीरे धीरे पूरी करूँगी. बट आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पर हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, दैट इज़ सनस्क्रीन. मैं आपको एक दो सनस्क्रीन का पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ बिफोर दैट वीडियो, बट आज हम एक बहुत ही अफोर्डेबल से सनस्क्रीन पर बात कर रहे हैं. अफोर्डेबल साइड पर तो वो है, ठीक है, लेकिन उसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं उसको पिछले एक महीने से यूज़ करी हूँ और आफ्टर यूजेज मैं जो भी रिज़ल्ट मुझे मिले हैं ऑन माय एक्नी कोन स्कैन, बहुत ज़्यादा ऑयली भी स्किन है मेरी, तो उस पर जो रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, जो मैं रिव्यूज़ मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैं वो लेके आपके सामने आई हूँ. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अच्छा, जो टॉपिक जो प्रोडक्ट आज हमारे पास है वो यू वाइल का एक सनब्लॉक है. ये SPF 30 के साथ है और ये सनस्क्रीन है, सनब्लॉक नहीं है, ठीक है. ऑलरेडी told you the difference between sunscreen and sunblock to you all. और इसमें UVA और UVB की प्रोडक्शन प्रोटेक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन ये देता है और ये सन बर्न को, सन डैमेज को, फ्रिंकल्स को, बाकी डार्कनेस को, इन सब को ख़त्म करता है. एंड ये है डर्मा टेक्नो का, ठीक है, इसकी जो कंपनी है वो डर्मा टेक्नो है, यहाँ पर मैंशन हुआ है, ठीक है. अच्छा, और इसकी एक्सपायरी और प्राइसेस ये मेंशन हुए हैं, ठीक है. एक्सपायरी है इसकी, मैन्युफैक्चरिंग है मार्च 2022 की और एक्सपायरी है 2024 की, ठीक है. और इसके जो प्राइसेस हैं वो हैं 1359 इंक्लूडिंग GST, ठीक है जी. ये हो गई पैकिंग पर बात. ये इसका डब्बा है जो बहुत ही खस्ता हाल में हो गया. मैं पिछले एक महीने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो इस वजह से इसके डब्बे का ये हाल हुआ है. ये इसकी बॉटल है, ठीक है, इस तरफ सब तरफ से देख लो आप, ये इसकी बॉटल है और यहाँ पर एक पंप टाइप का लगा हुआ है जिससे ये बाहर आता है और ये इसकी कंसिस्टेंसी है. ये देखो, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ये देखो, लोशन की तरह है. इस पर लिखा हुआ ये सनस्क्रीन लोशन, तो ये लोशन ही है. ये देखिए, इसका कोई वाइट कास्ट तो नहीं दिखा मुझे, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, ये जो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है. ये देखो, इसको लेकिन रब आपको अच्छे से करना होता है, जैसे न्यूट्रोजेना के सनस्क्रीन होते हैं ना, उनको आपको अच्छे से रब करना होता है. इसको भी आपको रब अच्छे से करना होगा क्योंकि इसका थोड़ा बहुत वाइट कास्ट है, ठीक है. मैंने पहले थोड़ा उसमें बोला था, इसका वाइट कास्ट है, ये देखो, इसको अच्छे से रब करना पड़ेगा. ये आपको बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में इसको यूज़ करना है, ठीक है. अब मैं इसको रब अच्छे से करके फिर वापस आती. अच्छा जी, ये मैंने अच्छे से रब कर लिया है. मेरे दोनों हाथों का डिफरेंस देख लो, इतना वाइट कास्ट नहीं है. अगर आप रबिंग इसकी अच्छे से कर लोगे तो इसका बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नहीं है. अच्छा, ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव थिंग्स के इसके अंदर SPF 30 है, ठीक है, और ये UVA UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को. दूसरा के ये अफोर्डेबल सनस्क्रीन में है, ठीक है, और प्लास्टिक की पैकेजिंग है तो इजीली, और ये 100 ml की बॉटल है तो ये इजीली ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो इजीली, बॉटल टूटने का कोई खतरा नहीं है. अच्छा, आफ्टर यूजेज ऑफ वन मंथ, ये मैंने पिछले एक मंथ से मैंने जो अपना सनस्क्रीन वनसे का मैं यूज़ करती थी वो मैंने स्टॉप करके इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था, लेकिन
द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैट सनस्क्रीन इज कि इसमें SPF सिर्फ 30 है, ठीक है, ये आपको 30 SPF तक प्रोटेक्ट करता है UVA और UVB से, उसके बाद की प्रोटेक्शन की कोई गारंटी ये नहीं देता, ठीक है. फर्स्ट दैट थिंग है जो मुझे इसके बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. सेकेंड थिंग इज कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है. ये देखो इसका ना वाइट कास्ट भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि वेंसे का बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है. मैं वेंसे यूज़ करती हूँ लेकिन उसका बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है, लेकिन इसका वाइट कास्ट है, तो ये मुझे इसके लिए अच्छी नहीं लगी. इसको ना रब करके 2 मिनट छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो ना तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको इसको लगा कर 2 मिनट छोड़ना है. इसको लगा कर रबिंग अच्छे से करनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए. तो इस चीज़ में इसको ज़ीरो, क्लियर ज़ीरो. अच्छा, और सेकेंड थिंग इज़ के इसमें पहले मैं नेगेटिव पॉइंट्स पर आती हूँ, फिर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाऊँगी, ठीक है जी. अच्छा, सेकेंड थिंग इज़ के थर्ड थिंग इज़ के मेरी स्किन, आप लोग सबको पता है कि हद से ज़्यादा ऑयली है. मैं अच्छा खासा ख्याल रखती हूँ तो पिम्पल्स मेरी स्किन पर नहीं आते हैं, लेकिन इसको लगा कर मुझे पिम्पल्स भी आए हैं, ठीक है. और इसको लगा के जब हम धूप में जाते हैं, मैं जब धूप में गई हूँ अपने ऑफिस में या बाहर कहीं निकली हूँ, तो मुझे बहुत स्वेटिंग हुई है मेरे फेस पर, और जहाँ जहाँ मैंने इसको लगाया हुआ था हद से ज़्यादा स्वेटिंग हुई है इसको लगा के. तो ये तीन बातें मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिकॉज इसकी SPF की रेंज इतनी नहीं है, ठीक है. सेकेंड थिंग है इसके ये बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट देता है, इसको अच्छे से रब करना पड़ता है आपको, तो फिर इसका ये अच्छे से अब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन पे. द थर्ड थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दैट सनस्क्रीन इज कि ये पिम्पल छोड़ जाता है आपकी स्किन पर, पिम्पल हुए हैं मेरी स्किन पर इससे. दूसरी बात ये कि और बहुत स्वेटिंग होती है इसको लगाकर. और पॉजिटिव थिंग्स इसकी ये हैं कि इसमें ये ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है, बजट फ्रेंडली है, और अगर आप इसको स्किन पर कहीं पर भी लगाना चाहो ना, इस पर लिखा हुआ नॉन ऑयली है लेकिन ये हद से ज़्यादा ऑयली है. अगर आप स्किन पर जैसे हाथों पर लगाओ, फीट्स के लिए यूज़ करो तो ये ओके है, लेकिन फेस के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इसको. अगर आपको बॉडी, जैसे हम लोग कभी आउटिंग पर जा रहे होते हैं या हम लोग जा रहे होते हैं पिकनिक वगैरह पर, तो ये वहाँ पर तो आप ले जा सकते हो रख कर, लेकिन ये नॉर्मल डेज़ के लिए यूजबल नहीं है, ठीक है जी. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरा रिव्यू आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. If you like this video, don't forget to give this a thumbs and press the bell icon to get the notifications on time. And do subscribe to my channel for more such videos. और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, आप लोगों की जो भी requesting videos हैं वो pipeline में है. Orders मेरे जैसे ही मुझे receive होते हैं मैं थोड़े दिन use करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने reviews के साथ आएंगी. And if you haven't followed me on Instagram yet, तो do follow me on Instagram ताकि आपको पता चल सके कि मैं कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर कर रही हूँ, कौन कौन से पार्सल्स मेरे पास रिसीव हो रहे हैं और कौन कौन सी वीडियोज़ पर आपको रिव्यूज़ मिलने वाले हैं, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पर वीडियोज़ पर क्या होता है. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा. मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, आई लव यू.